जब हम 3 साल तक भगवान के चरणों में रहें, जब देखो जब ही रोजाना पूज्य माता जी हम सबको लेकर ऋषभगिरी पर्वत पर जाती थी और हम खूब ध्यान करते थे, खूब भक्ति आराधना करते थे, तभी एक दिन क्या होता है, एक रात मैंने की ऋषभगिरी मांगी तुंगी के भगवान ऋषभदेव से अपने अंतर मन की बात। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने भगवान ऋषभदेव से की अपने अंतर मन की बात। धरती और आकाश के मध्य थी बिल्कुल नीरवता, निर्जनता। तभी मैंने शुरू की प्रभु से वार्ता। मैंने कहा, हे परम पिता, आप नाम और गुणों की अपेक्षा 108 नाम या अनंत गुणों से समन्वित हैं और फुटों की अपेक्षा 108 फुट की प्रतिमा के रूप में अवस्थित हैं। नील गगन के तले सुमेरु पर्वत के सदृश अधिक तपस्वी बने खड़े हैं आप। भगवान, जब भी मैं आपके चरणों का दर्शन करती हूँ, मन में बार बार आता है एक भाव, प्रभु ने मुझसे कहा, बोलो पुत्री, क्या है तुम्हारे मन में भाव? तब मैंने छोड़ दिया संकोच, प्रभु की बात सुनकर तब मैंने छोड़ दिया संकोच और भक्त और भगवान के बीच का छोड़ दिया सब भेद। भक्त और भगवान के बीच का छोड़ दिया सब भेद। मैं बोल पड़ी, भगवान, इच्छाएं बहुत हैं पर शक्ति नहीं है। श्री मान तुंगाचार्य सम मेरे मन मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, श्री मान तुंगाचार्य सी भक्ति नहीं है और भक्ति करने की सच्ची युक्ति भी नहीं है। भगवान बताओ, मैं कह रही थी, भगवान बताओ कैसे होगा मेरा बेड़ा भाव सागर से पार। एकांत में चल रही बात के मध्य ऐसा लगा मानो प्रभु ने उत्तर दिया, चंदना नहीं घबराना है तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ। यानी भक्ति करती थी तो पूज्य ज्ञानमती माता के हृदय में तो भगवान विराजमान होते ही थे, हमारे हृदय में माता जी और भगवान दोनों ही विराजमान होते थे। भगवान ने कहा, चंदना नहीं है घबराना तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ, तू भी आएगी एक दिन मेरे पास। यानी कर्मों को नष्ट करके एक न एक दिन तुझे भी सिद्ध शिला की प्राप्ति होगी। मैं खुशी से झूम उठी, मेरे मन की कलियां खिल उठी। पुनः मैंने एक प्रश्न और किया कि भगवान, ये तो बताओ, ये आपकी प्रतिमा बनाने वाली ज्ञानमती माता जी कैसी हैं? हम तो उनके शिष्य हैं ही, लेकिन हे भगवान, आप बताओ कि ज्ञानमती माता जी कैसी हैं? भगवान ने मेरी कान में कहा, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा मानो भगवान ने मेरी कान में कहा, मेरी एक पुत्री थी ब्राह्मी, जो तपस्या करते करते आज सिद्ध शिला पर मेरे पास आ गई। फिर भारत की धरती ने करोड़ों वर्ष के बाद उस जैसी ब्राह्मी माँ को मुझसे मांगा, तब मैंने एक बाल योगिनी ज्ञानमती माता जी के रूप में द्वितीय ब्राह्मी को धरती पर भेजा है। क्या कहा? द्वितीय ब्राह्मी अभिनव ब्राह्मी को मैंने धरती पर भेजा है। प्रभु ने खुश होकर कहा, चंदना तुम सदा उनके चरणों में रहना, क्योंकि ये ज्ञानमती माता बिल्कुल मेरी पुत्री ब्राह्मी जैसी हैं। क्या कहा? ये ज्ञानमती माता जी बिल्कुल मेरी पुत्री ब्राह्मी जैसी हैं। मैं आकाश को देखकर, नक्षत्रों के बीच बेदाग चांद को देखकर, रात्रि की नीरवता में प्रभु की गोद में निद्रा की कल्पना करने लगी। तभी महाप्रभु ने मुझे स्वस्थता का आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम भक्ति करती रहो, उसी से शक्ति मिलेगी, युक्ति और मुक्ति भी मिलेगी। तभी एक दिन तुम ज्ञानमती माता जी के साथ आना मेरे पास, अकेले मत आना, तुम ज्ञानमती माता जी के साथ आना मेरे साथ, सिद्ध शिला पर आओगी और तब हम सब एक साथ मिलकर के यहाँ से देखेंगे सब कुछ, 3 लोक का सब कुछ, लोक और अलोक को सब कुछ, और यहाँ तक कि ऋषभगिरी पर विराजमान ऋषभदेव की प्रतिमा को भी हम सब देखेंगे अपने दिव्य ज्ञान से। महानुभाव, ये तो थी मेरी बात भगवान के साथ। महानुभाव, ये तो थी
मेरी बात भगवान के साथ। यदि आपको भी अच्छा लगे तो करना आप प्रभु आदिनाथ से अपनी सीधी बात। उन सब भक्तों से कहना है जो आज भाव संजो कर ऋषभ गिरी पर पहुँचे हैं, मस्तकाभिषेक कर रहे हैं, एक क्षण दो क्षण को जरूर बैठना भगवान के सामने, उनसे जो मन में बात हो करना, मेरे जैसा भी बात करना, और जो लोग अभी नहीं गए हैं वो भी प्रभु से बात करने के लिए जरूर जाना। मैंने देखा है जैन अजैन सभी की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। और एक इंस्पेक्टर को तो मैंने देखा वहाँ खड़े खड़े उसकी जेब में मोबाइल बजा और उसने मोबाइल उठाया और पता चला कि उसके लड़के की बहुत ऊंची नौकरी लग गई है। उसने कहा प्रभु मैं यही तो बार बार प्रार्थना करता था, आज आपके चरणों में आकर मेरी मनोकामना सिद्ध हो गई। ऐसी न जाने कितनों की मनोकामनाएं सिद्ध हुई, और जिसने मन के अंदर भी भगवान के प्रति अभिनय किया उसके न जाने कैसे कैसे भाव धराशायी हो गए और वे स्वयं भी धराशायी हो गए। इसलिए मेरा तो इतना ही कहना है, आप विनय ना कर सको तो अभिनय मत करना, और हो सके तो खूब विनय करके भगवान की भक्ति करके भव से पार हो जाना। जब लो ऋषभ देव भगवान की जय।